हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और जो लोग भी एम्स से पोस्ट पीसी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, एम्स दिल्ली के साथ साथ एम्स रायबरेली में भी पोस्ट पीसी बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है, जिसके लिए आपको सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। अगर कोई पोस्ट पीसी बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बस इन्हीं टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 70 क्वेश्चन होते हैं 70 मार्क्स के। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, और इन दोनों राउंड को क्वालिफाई करने के बाद ही आप सेलेक्ट होते हैं, यानी कि एम्स में आप कोई एक सीट ले पाते हैं। सो 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। ओके, एम्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ गर्ल्स बीएससी नर्सिंग कर सकती है। अगर बॉयज़ एम्स से नर्सिंग कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपने ऑलरेडी या तो जीएनएम या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, ठीक है। दूसरी तरफ एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की बात करें तो टोटल 16 एम्स हैं जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एंड टोटल 11 एम्स हैं जहाँ पर डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर आप वो लिस्ट चेक करना चाहते हैं कि किन किन एम्स में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उसके लिए ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ये एंट्रेंस आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का ऑप्शन होता है। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो हिंदी में एंट्रेंस के लिए अपीयर होना चाहते हैं, सो हिंदी का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। सो ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, जिसमें चार सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड चौथा सेक्शन होता है आपका जीके। अब पहले हम जीके के बारे में बात करते हैं। जीके जो है उसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। इस पेपर में आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो अगर आप इस 10 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं सपोज, और 90 क्वेश्चन में अगर आप 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो, हाई चांसेस है कि आपको एम्स में कोई ना कोई सीट मिल जाएगा, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस 10 क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा नहीं भागो, उस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। आपको बस इतना करना है कि कुछ करेंट अफेयर्स आप चेक कर सकते हैं, और जो स्टैटिक जीके होता है, बाकी जो देखो जीके का बहुत वास्ट सिलेबस है, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे टॉपिक्स होते हैं, तो सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो इसके लिए आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। आई थिंक लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट है 10 मार्क्स के लिए या 10 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जिसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपके करंट अफेयर्स के ही होंगे और कुछ स्टैटिक जीके को होगा, तो जीके के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। दूसरी तरफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई भी सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। सो जो भी जनरल स्टैंडर्ड एंट्रेंस के लिए सिलेबस है वो आपका 12th बेसिस है। सो 11th एंड 12th, 11th के सारे टॉपिक्स तो नहीं, लेकिन हाँ 12th के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए 11th 12th एनसीईआरटी को प्रेफर करना है, ठीक है। सो मेनली जो नर्सिंग या पैरामेडिकल का एंट्रेंस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, 11th 12th बेस्ड होता है, तो आप 12th को अच्छे से पढ़ोगे और साथ ही साथ 11th के कुछ टॉपिक कवर करोगे जो एम्स में पूछे जाते हैं। जो एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं, तो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड आपको प्रिपरेशन करनी है। सो आई थिंक 11th 12th का जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए सफिशियंट है, और जीके के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको खुद अपडेट रहना होगा या फिर कोई भी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने, क्योंकि जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं तब ज़्यादा आपको क्लियर होता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर अच्छे से क्लियर करने हैं, और किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, एंड इसका जो फॉर्म आता है वो फेब के मंथ में आ जाता है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन आपके फरवरी में होता है, फरवरी मार्च में आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जून में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। सो ये फिक्स है कि आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जून के मंथ में ही कंडक्ट होना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं सिलेबस का, तो न्यू एनसीईआरटी को यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं आप, और उसके बेसिस पे ही आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और अगर कोई अपडेट आता है तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी अपडेट्स होंगे नर्सिंग रिलेटेड या एम्स रिलेटेड, मैं आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्म करती हूँ। अगर आप एम्स के कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हो सके तो एक बार उसे भी चेक कर लीजिए। सो आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।